अमेरिका की सुपर मॉडल, पाकिस्तानी और चेक रिपब्लिक का बैकग्राउंड, बॉलीवुड के सुपरस्टार हीरोइन, नाम है इनका नरगिस फाखरी। नरगिस फाखरी ने बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत की थी। अमेरिकास नेक्स्ट टॉप मॉडल में यह बतौर कंटेस्टेंट नजर आई थी। इनका जन्म न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में हुआ। माँ का नाम मरी और पिता मोहम्मद फाखरी। इनके पिता दरअसल पाकिस्तान से थे और माँ चेक से। ये मात्र 6 बरस की थीं जब इनके माता पिता का तलाक हो गया। ये बहुत छोटे ही थीं जब इनके पिता की मृत्यु भी हो गई थी। नरगिस फाखरी ने बॉलीवुड की फिल्म रॉकस्टार से शुरुआत की थी। इस फिल्म को इम्तियाज अली ने बनाया था, साथ में थे रणबीर कपूर। yes. उसके बाद ये मद्रास कैफे में नजर आईं और फिर मैं तेरा हीरो में। ये बात भी बड़ी अनोखी रही कि इनकी माँ ने इन्हें और इनकी बहन को बतौर सिंगल पेरेंट पाला। वो हमेशा इनसे यही कहती हैं कि बेटा, दुनिया घूमते जाओगे तो जिंदगी सीखते जाओगे। ये जब मात्र 14 बरस की थीं, तभी से इन्होंने ट्रैवल चैनल्स देखने शुरू कर दिए थे और दूसरे कल्चर्स के बारे में जानने की कोशिश भी करती रहीं। I'm a lonely traveler as well as a group traveler. I'm also I love luxury travel. ये लंबी थीं, पतली दुबली थीं और 15 साल की उम्र में ही इन्हें बतौर मॉडल चुना गया। जब इन्हें ये एहसास हुआ कि एक मॉडल पूरी दुनिया घूम सकता है, उसकी एजेंसी उसे अलग अलग शहरों में लेके जा सकती है, तो बस इन्होंने दो बार सोचा ही नहीं। yes. अगर मॉडलिंग नहीं होती तो ये किसी एनजीओ को ज्वाइन करती और अफ्रीका या फिर ब्राजील के गाँव में जाके काम करती। ये कोपेनहेगन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, तब इन्हें एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि डायरेक्टर इम्तियाज अली इनसे प्राग शहर में मिलना चाहते हैं, एक हिंदुस्तानी फिल्म के लिए इन्हें कास्ट किया जा सकता है। इनकी मुलाकात जरूर हुई और जब कहानी सुनी तो ये फूट फूट कर रोने लगी। इनका रोना इम्तियाज अली के असिस्टेंट ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। बस इनके एक्सप्रेशन देख कर इम्तियाज अली ने मन बना लिया कि मेरी हीरोइन तो यही होगी। फिल्म रॉकस्टार में इनकी तारीफ तो हुई और ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी फिल्मों में ये काम करेंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ ऑफर्स इनकी एजेंसी ने ठुकरा दिए और कुछ नरगिस फाखरी ने, ये कह के मना कर दिए कि जब तक कोई अच्छी फिल्म सामने नहीं आएगी मैं काम नहीं करूंगी। I'm looking forward to every project that's coming up. और फिर ये नजर आई जॉन अब्राहम के साथ, वरुण धवन के साथ और इमरान हाशमी के साथ नजर आई थी ये फिल्म अजहर में, जिसमें इन्होंने संगीता का किरदार निभाया था। yes, yes. नरगिस फाखरी हर तरीके से खुले दिमाग की एक्ट्रेस लगती हैं। इनका नाम कई एक्टर्स के साथ जोड़ा भी गया, पर इन्हें इस बात का दुख होता है कि क्यों ये रूमर्स इनका पीछा नहीं छोड़ती। How true it is. I don't think it's true at all. स्विम सूट हो कि लव मेकिंग सीन, हर जगह नरगिस फाखरी अपनी गहरी छाप छोड़ती है। रैम्प हो कि टीवी कमर्शियल्स, नरगिस फाखरी अपनी फिगर और अपनी अदाओं से सभी का दिल जीत लेती हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आधी पाकिस्तानी आधी चेक नरगिस फाखरी हिंदुस्तानी सिनेमा में आगे कितना नाम कर पाएंगी। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।